अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हुए एग्जाम आप लोगों के? सर, टीचर्स ने 2 घंटे की बजाय 3 घंटे का पेपर बनाया था सर। हाँ, वो तो होगा। जिस वक्त जो है वो तैयारी नहीं होती तो उस वक्त जो है वो पेपर 6 घंटे का भी लग रहा होगा। नहीं सर, कोई पेपर 2 घंटे से कम का नहीं था, सब 2 घंटे से ज्यादा के थे। सर लेंदी थे पेपर, सारे तकरीबन ना इजी थे लेकिन लेंदी काफी थे। हर टीचर से पूछ लीजिएगा जब क्लास होगी ना, तो आपको टाइम जो है मैनेजर के बताएगा कि ये क्वेश्चन कितनी देर में होगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपको लगता है लेंदी, पेपर लेंदी था नहीं। मैं अपने पेपर की तो बात कर सकता हूँ ना, चीटिंग तो नहीं की है आप लोगों ने? कॉपी पेस्ट तो नहीं किया आप लोगों ने? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? सर टाइम कहाँ था कॉपी पेस्ट करने का, इतना लेंथी पेपर था। हाँ, कॉपी पेस्ट करने का तरीका कार ये होता है कि आपस में कॉपी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने पेपर की बात कर सकता हूँ, आपको कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी इसका सलूशन नहीं मिल सकता था। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, शुरू में ही बता दिया था कोर्स के। सर बस फर्स्ट क्वेश्चन ने तंग किया, उसके लिए पहले हमने लैब की रिकॉर्डिंग खोली, वहां सर ने कैलकुलेशन ही नहीं करवाई हुई थी, फिर नेट पे गए किया, लेकिन फिर आपकी लेक्चर्स की स्लाइड्स खोली, फिर उसको देख के वहां से फॉर्मूला उठा के उसको सॉल्व किया। उसमें तकरीबन फर्स्ट क्वेश्चन ही कोई 40 मिनट ले गए। तो स्लाइड पढ़ी नहीं थी आपने पूरी? भाई स्लाइड सर, पढ़नी दो है ना। आसान थे सर, दो बहुत मुश्किल थे सर। 256 से तो मल्टीप्लाई करना था, कंपैरिजन दिया हुआ था ना मैंने, आईजीआरपी का ही आईजीआरपी का कंपैरिजन दिया हुआ था स्लाइड पे। जी सर, फिर मैंने सोल्यूशन भी बता दिया, मुझसे पूछा मैंने उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि भाई कोई फर्क नहीं होता कोड में, जबकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ये मुझे बाद में ख्याल आया था। उस वक्त मुझे यही बताना चाहिए था कि भाई जो जो आपको आता है वो आप कर लें, ये मुझे जवाब देना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती, मैं भूल गया कि जो है वो चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए थी कि सेम है कोड उसका। सर वही आपको सुनने के बाद वो जो आपने शुरू में जो समझाया था वही कोड उठा के लिख दिया। तो
तो मैंने एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी तो डाल दिए ना उसमें व्हाट्सएप पे, उससे भी आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कितना, किसने कितना काम किया हुआ, कितना सही है कितना गलत है। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी गलतियां हैं लोगों की, पता नहीं थर्ड है कि हाँ थर्ड क्वेश्चन था जिसमें वो अनरीचेबल वाला क्वेश्चन था, वो तो जिसने जो है वो क्लिक कर लिया तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आया उसके लिए मुश्किल काम है। सर उसमें नेबर और पैसिव इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट था, नेबर का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं वहां पे, यूनिकास्ट तो मैंने पूछा ही नहीं कहीं पे उसमें, जिस जगह पर सेम नेटवर्क होगा कहीं जरूरत पड़ेगी कि तो पैसिव इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो पैसिव इंटरफेस तो सॉल्यूशन दिया ना मैंने, सॉल्यूशन बना के मैंने शेयर तो किया उस दिन, कल पता नहीं परसों किया था किसी को, मैंने बनाया था किसी के लिए तो मैंने फिर आप लोगों को भी शेयर कर दिया। ये बात क्लास में डिस्कस हुई थी कि जब रिप की बात करते हैं तो रिप जो है वो मैक्सिमम 15 होप तक अपने ब्राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, 16 और उससे अबव जो है वो अनरीचेबल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है वो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट वन था, ए पार्ट जो था उसी पे था, और ये बात हमने उस पर की थी ऑफसेट लिस्ट पे, हमने जो है उसको चेक भी किया था, ऑफसेट लिस्ट की कमांड जो है वो रिप मैनिपुलेशन के लिए यूज की थी हमने जब हमने रिप पढ़ा था, तो होप काउंट जो है वो दो थे और हमने आर्टिफिशियली उसको एक था और हमने आर्टिफिशियली उसको तीन बना दिए थे, मीन कि हम रिप के मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस तरह से अनरीचेबल होगा ये वाला नेटवर्क, तो डायग्राम में वन होप या टू होप था आई थिंक ऐसा ही कुछ था, तो उसमें मुझे जो है वो अगर टू होप था तो मुझे फिर उसमें जो है वो 14 ऐड करने थे, तो 14 प्लस 2 कितना होता है 16, तो 16 अनरीचेबल हो जाएगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर किसी को क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो सारी कैलकुलेशन गलत है सब कुछ, जो भी कोड लिखते हैं। अगर मैं दिखाऊं ना कॉपियां तो फिर जो कॉपी पेस्ट होता है ना, आप लोग कह रहे हैं कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो कॉपी पेस्ट भी अगर मैं दिखाऊं तो अगर एक ने गलती की है तो दूसरे ने भी कोई गलती की है, तो जिन लोगों ने चीटिंग करनी होती है उनका अपना दिमाग नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि कोड है क्या, तो जो एक गलती करेगा दूसरा भी वही गलती करेगा, तीसरा भी वही गलती करेगा, जितने चीटिंग करेंगे वो सब उसी तरह लिखेंगे। लेकिन जिसको आता है उसके लिए हल्की सी हिंट भी काफी होती है। तो किसी को यही कह दिया जाए कि जिसको आता है तो उसको बता दिया जाए कि ये अनरीचेबल वाला कॉन्सेप्ट 16 होप वाला है, तो वो फिर जो है वो डायरेक्ट ऑफसेट लिस्ट की कमांड की तरफ उसका दिमाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान था, वो तो बोनस क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4
बाकी दो जो क्लासेस और भी पढ़ रही हैं राउटिंग, उनका पेपर कैसा हुआ? ये वाला डिस्कशन हुई थी? नहीं सर, दूसरी क्लास के बच्चों के साथ थे। जान पहचान ही नहीं होती, साथ बैठे नहीं थे क्या? एक साथ पेपर नहीं दिया क्या? अपने घर में बैठ के दिया पेपर? सर घर पे बैठ के दिया। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि जो है लोग एक किसी एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर एक साथ बैठ के दे रहे होते हैं। देखिए ना, मैंने जूम पे जब मैंने ऑन किया था क्यूरीज के लिए, तो बहुत ही कम लोग आए थे मेरे पास वहां पे जूम पे। मैं तो एंड तक बैठा हुआ था, 35 मिनट। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, कम लोग थे मॉड्यूल उसमें, तो इसका मतलब ये कि उनको फर्क नहीं भी पड़ता था कि जो है वो क्वेश्चन समझ में आए या ना आए। सबने ये सोचा हुआ था कि साथ बैठे हुए हैं, ग्रुप बना के बैठे हुए, जिनके बलबूते पे हम बैठे हुए हैं वो हमें कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। तो इन पे वही वाला कॉन्सेप्ट आता है जो मुहावरा सा एक है ना, जिन पे तकिया था, है ना कॉन्सेप्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो है वो रिप वर्जन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। रिप वर्जन 2 आपने लैब में परफॉर्म कर लिया हुआ है, अब हम जो है वो उसकी थ्योरी की तरफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली क्लासेस में तो हम जब हार्डवेयर भी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल जब राउटर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये पैरेलल ही चल रहे होते हैं। पहले थ्योरी क्लास में होती है, उसके बाद फिर लैब परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन हमारी 3 से 4 लैब ऐसी हैं जो कि हार्डवेयर हुई नहीं है, इस वजह से आप लैब में आगे जा रहे हैं और थ्योरी में जो है पीछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पे कितना काम हो गया है? कब मेल करनी है आपने मुझे? सर आज इंशाल्लाह कर देंगे, आज रात तक करनी है सर। कल रात में मेल कर दिया आपको, अब तक के जितने भी टास्क थे। अच्छी बात है। सर 27 बोला था आपने कल रात तक? जी। लेकिन ये फालतू का टाइम एक्सटेंड तुम लोगों ने करवाया है, क्योंकि जिन लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करनी थी वो उन राउटर्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकता था। चलो नो इशू, एक दिन और देख लेते हैं कितना फर्क पड़ता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे लिए क्या होगा? सर आपने बोला था हम लोग प्रोजेक्ट शुरू से बनाएंगे। आपने मिड टर्म के बाद 2 दिन का टाइम दिया था। हाँ, तो मिड टर्म के बाद 2 दिन का टाइम दिया था मैंने। जी सर, तो आपको कब चेक कराएंगे? क्लास के एंड में पूछना मुझसे आप। ओके सर। अच्छा जी, रिप वर्जन 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। रिप वर्जन 2 1 हमने डिस्कस किया था। 1 में हमने कहा था कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पास सेलेक्ट करता है, उसका टाइम पीरियड
32nd है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसलिए इसमें भी पीरियोडिक अपडेट्स होंगे और वही टाइम है जो कि रिप्रेजेंट वन का था, और होप काउंट बेस पे जो है वो बेस्ट पास सेलेक्ट कर रहा होता है, ये भी कॉन्सेप्ट सेम। तो रिफंड जो है वो उसको एक्सटेंड करके उसके कुछ फीचर्स जो है वो चेंज करके रिफ्रेजन टू अपडेट किया गया। सबसे पहले जो एक चेंज है वो सबनेट मास्क है। रिप वन में हमने डिस्कस किया था कि रिप वन में जब भी डेटा पैकेट जाता है किसी दूसरे राउटर पर तो कभी भी उसमें उसका मास्क सेंड नहीं किया जाता, ये काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस उसमें मौजूद होगा पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन पे जाके वो क्लास बेस पे जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसलिए मास्क कभी भी जो है वो नहीं भेजा जाता था, सेंटर कभी भी डेस्टिनेशन के पास जो है वो मास्क नहीं भेजता था, ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल था। लेकिन रिप टू में ये कह रहा है सबनेट मास्क कैरीड विद ईच रूट एंट्री, तो अब जब भी जो है वो डेटा पैकेट सेंड होगा तो लाजमी है कि उसमें उसका आईपी के साथ साथ उसका मास्क भी भेजा जाएगा, किसी भी क्लास की आईपी हो, डजंट मैटर। अगर आईपी क्लास ए की है तो मास्क 8 बिट का भी हो सकता है, 10 बिट का भी हो सकता है, 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मास्क। इसलिए जब भी जो पैकेट भेजा जाएगा उसमें आईपी एड्रेस के साथ साथ उसका मास्क भी अटैच होगा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि ये क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, तभी ये मास्क भेज रहा है। तो रिप वर्जन 2 क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन 1 क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल था। डिफरेंस क्लियर है जी, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? अहमद अली, मलिक अदनान, मलिक अदनान, इफ्तिखार आप सबकी तरफ से कह रहे हो कि सब क्लियर है? मलिक अदनान भी एवरीवन पे मैसेज कर रहा है, इफ्तिखार भी एवरीवन पे मैसेज कर रहा है, बड़ी बात है यार। डिसेबल कर दे। क्या कह रहे हैं? एवरीवन डिसेबल कर दे। दूसरी कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिकेशन ऑफ राउटिंग अपडेट। ऑथेंटिकेशन जो है वो रिपन में नहीं थी। ऑथेंटिकेशन क्या है कि हम जो डेटा पैकेट भेज रहे हैं वो दूसरे राउटर पे जाने से पहले जो है हम उसको ऑथेंटिकेट करके भेजें, तो कोई और उसको डेटा पैकेट को जो है वो ओपन ना कर सके, उसको हम जो है वो इस तरह से बना के भेजें कि कोई और जो है वो अगर किसी के हाथ में पैकेट आ जाए तो वो उसको ओपन ना कर सके, ये ऑथेंटिकेशन है। अगर राउटर के 4 इंटरफेसेस हैं तो उसमें से एक इंटरफेस जो है वो ऐसा है जहां से हमें सीक्रेट डेटा भेजना है, सिक्योर करके भेजना है, तो इसलिए उस इंटरफेस पर हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे और अब वहां से जो पैकेट जा रहा होगा वो पैकेट सिक्योर होके जा रहा होगा। इसमें जो है वो 2 कॉन्सेप्ट हैं, नंबर 1 जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, नंबर 2 MD5 है। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जो है वो सिंपल हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे,
जो फर्स्ट मेथड होगा प्लेन टेक्स्ट का मतलब है डेटा तो जो है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होगा, जो आपने भेजा है वही जा रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर देंगे और जो सामने वाला राउटर होगा वो उसको पासवर्ड अप्लाई करेगा और उसको दोबारा ओपन कर सकता है पैकेट को। जिसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा वो पैकेट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन अंदर डेटा पैकेट जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट में ही होगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है MD5, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम डेटा पैकेट को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट में नहीं डेटा जाएगा, अब सेंडर जो है वो उसको इनक्रिप्ट करेगा और अगला जो राउटर होगा जिस जगह पर आपने भेज रहे हैं वो नेक्स्ट राउटर के पास जो है वो डिक्रिप्ट होगा। तो इस वजह से हम जो है वो दो तरीके से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, डेटा को प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करके भेज सकते हैं या फिर इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। इनक्रिप्शन जब होगी तो वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, वो साइफर फॉर्मेट होता है उसका, ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि आम शख्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको डिक्रिप्ट करना होगा फिर जाकर जो है वो उसको समझा जा सकता है। इसके दोनों का जो है वो कोड हम देखेंगे आगे चल के। क्यों नहीं होगी जी, बिल्कुल मीटिंग है कल। तीसरा जो चेंज है रिप टू में वो है नेक्स्ट होप एड्रेस कैरिड विद रूट ईच रूट एंट्री। नेक्स्ट होप का भी जो है वो एड्रेस उसमें जो है वो डेटा पैकेट में जो है डाला जाएगा कि पैकेट जो है वो किस तरफ से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन से भेज रहे होंगे। फोर्थ है एक्सटर्नल रूट टैग। एक्सटर्नल रूट टैग जो है वो उसका मतलब यह है कि अगर जो भी रिप से बाहर के पैकेट होंगे अगर वो राउटिंग टेबल में हम देखेंगे तो उसमें एक्सटर्नल रूट की जो है वो ई मेंशन होगा। अगर आप राउटिंग टेबल में देखें तो ऊपर जो है वो एक कॉमन इंफॉर्मेशन दी होती है, अगर रिप है तो उसके लिए जो है वो आर लिखा होगा, अगर स्टैटिक राउटिंग है तो एस लिखा होगा, अगर आईटीआरपी है तो आई लिखा होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ऊपर जो है वो कॉमन प्लेस पे जो है मेंशन होते हैं, वो कॉमन होते हैं। वहीं पर ई लिखा हुआ है वो उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल रूट। एक्सटर्नल रूट का मतलब होगा कि जो भी रिप के अलावा जो भी पैकेट कहीं से आ रहे हैं तो उसकी डिटेल मेंशन की होगी कि यहाँ ये वाला जो रूट है वो एक्सटर्नल है, ये रिप से बाहर की इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर ई मेंशन किया होगा। ये काम जो है वो स्टैटिक राउट हमने रिप वन में नहीं देखा था। और आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो फिफ्थ मल्टीकास्ट रूट अपडेट है। मल्टीकास्टिंग का मतलब इस तरह से है कि हम एक ग्रुप एड्रेसिंग करते हैं, हम कहते हैं यूनिकास्ट है, हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट का मतलब सिंगल डेस्टिनेशन, ब्रॉडकास्ट का मतलब एवरीवन। लेकिन अब हम जो है वो एवरीवन पे नहीं भेज रहे, अब हम जो है वो सिंगल डेस्टिनेशन पे नहीं सेंड कर रहे, हम ग्रुप एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप एड्रेसिंग के लिए जो हमारे पास एक क्लास है जो कि क्लास डी है, डी फॉर डक। पूरी क्लास जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। एबीसी क्लास जो है वो यूनिकास्ट के लिए यूज की जाती है, ये हमें पता है। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है।
तो इसमें जो है वो अब रिप टू में अब हम मल्टी कास्टिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप एड्रेसिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने जो है व्हाट्सएप का ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप बना सकते हैं, ईमेल पे ग्रुपिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो कोई भी ग्रुप एड्रेसिंग होगी तो उस जगह पर जितने भी यूजर्स हैं उससे अटैच होंगे उन तमाम पर वो मैसेज जा रहा होगा, उन तमाम को वो पैकेज जा रहा होगा, उन तमाम पर वो इंफॉर्मेशन जा रही होगी जो मल्टीकास्टिंग के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे। The most important of these extensions is the addition of a subnet mask field to the routing update entries, enabling the use of variable length subnet masking. VLSM concept यहाँ पर enable होगा and qualifying RIP2 as a classless routing protocol. Excuse me sir, ये multicast थोड़ा वापस समझा देना, ये थोड़ा समझ नहीं आया। Number 5. Casting simple सा concept है। Class D पर याद है? Class D multicasting address होते हैं। जी सर। रेंज क्या है उसकी? Class D की। Class A की सर। Multicast वाले की, multicasting की जो है वो रेंज क्या है Class D की? D for duck। सर 25 से 255 से सर लेकर 24 से लेकर सर क्या हो गया सर 24 से 32 तक 24 नहीं क्या हो गया सारा दिमाग खाली करके आ गए पेपर्स में कुछ तो रख लेते दिमाग में इतनी देर में तो गूगल भी बता देता है, हैं? क्लास सी एंड कहां पे हुआ था उसामा मीर यस सर क्लास सी कहां पर एंड हुआ था क्लास सी सी फॉर कैट सर 255 254 पे मेरे बाकी बंदे माफ करे क्या बनेगा तुम लोग सर 223 सर बता दिया ना गूगल ने नहीं सर गूगल से नहीं बताया सर आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है हाँ ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है बेटा ऐसा ही होता है सर मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ सर नहीं है सर कैमरा ऑन करके क्या फायदा होगा स्क्रीन थोड़ी शेयर हो रही होगी तुम्हारी और जो स्क्रीन शेयर करोगे वही नजर आएगी ना मुझे सर ये तो बस आप सोच रहे हैं सर हम ऐसा नहीं कर रहे सर अम्मार अम्मार आपसे पूछा था क्या आपसे पूछा था क्या नहीं सर आपने बोला कि क्या होती है मुझे लगा तो आप मुझे बताएं ना आप मुझे बताएं आप प्राइवेट मैसेज करें ना भाई मुझे आप तो सबको बता रहे हैं सर जब एवरीवन पे मना किया हुआ है तो फिर आप जो है वो एवरीवन पे कर रहे होते हैं ये जो लिखी है एड्रेस ये सही लिखा हुआ है ये क्लास डी का रेंज है ये जो अम्मार ने लिखा एक मिनट होल्ड करना है जी अस्सलाम वालेकुम जी
जी स्टूडेंट्स, हम मल्टीकास्ट के बारे में पूछ रहे थे आप लोगों से। मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से है कि हम जब भी एक पैकेट को भेजते हैं तो किसी सिंगल डेस्टिनेशन पर भेजते हैं, या फिर हम जो है वो किसी भी डेस्टिनेशन पर पैकेट भेजते हैं तो हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट स्टेटस होता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो उसमें जो एक ग्रुप है, ग्रुप को हमें जो है भेजना है, ग्रुप कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं आप लोग, जैसे आप जो है फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, जैसे ईमेल पे ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप एड्रेसिंग हो जाती है। तो जब आप उस ग्रुप को भेजते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एवरीवन पे नहीं जाती है। जैसे मैंने जो है वो अगर कोई मैसेज करना है आपकी क्लास को, तो ये ग्रुप एड्रेसिंग है ना, ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास को मैसेज जाएगा, जो मेरी दूसरी क्लास है उसको मैसेज नहीं जाएगा। और बहुत सारे यूजर मेरे पास मौजूद हैं व्हाट्सएप पर, किसी के पास भी ये मैसेज नहीं जाएगा। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप को जाएगा जिसको मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो ये ग्रुप एड्रेसिंग हो जाती है। तो ये ग्रुप एड्रेसिंग किसी को जो है वो, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ 225.8.9.10 ये आईपी मैंने ले ली, तो मैंने एक जो ग्रुप एड्रेस बनाया है उसको ये वाली आईपी मिल गई। अब अगर मैं इस एड्रेस पे कोई पैकेट भेजूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को मैसेज गया है। 225 जो है वो किसी तरह से भी यूनिकास्ट एड्रेस नहीं हो सकता, सिंगल डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा पैकेट, दुनिया में सबके पास पैकेट नहीं जा रहा होगा, बल्कि एक ग्रुप को जो है वो मैसेज जा रहा होगा, स्पेसिफिक ग्रुप को। जब मैं कहता हूँ 225.8.9.10 में इसको मैसेज भेज रहा हूँ, तो ये सबके पास नहीं जाएगा, सिर्फ उस ग्रुप को जाएगा जो उससे अटैच्ड है। तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो 30 स्टूडेंट के पास मैसेज जाएगा जो भी मैं भेजूंगा, या आप में से कोई भी भेजेगा, क्योंकि वो भेज रहा है इस एड्रेस के ऊपर, मल्टी कास्ट एड्रेस पे भेज रहा है। तो इस तरह से ग्रुप एड्रेसिंग जो है वो रिप वर्जन 2 में अलाउ है, एंटरटेन करता है। रिप वर्जन 1 में मल्टीकास्टिंग नहीं थी, रिप 1 में सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे भेज सकते हैं या उस नेटवर्क के एवरीवन पे भेज सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। All of the operational procedures, timers, and stability functions of RIP1 remain the same in version 2. तो जिस तरह से मैंने कहा था कि होप काउंट RIP1 में यूज किए जाते थे, यहाँ पर भी RIP2 में भी होप काउंट ही कंसिडर होते हैं। और टाइमिंग जो है जो RIP1 में कितनी थी, 30 सेकेंड था ना टाइम पीरियड उसका, यहाँ पर भी टाइम पीरियड उतना ही है 30 सेकेंड। और बाकी जितने भी टाइमर्स हैं उन सबके भी टाइमर्स जो हैं वो सेम जितने जो है वो RIP1 के थे, एग्जैक्टली सेम, with the exception of the broadcast update. RIP2 multicast update to the other RIP2 speaking routers using the reserve class D address 224.009. ये जो address है ये RIP2 को assign कर दिया गया है।